दिस इज एग्जाम्पल नंबर थ्री. पेज नंबर 581. If the mean of the following data is 18.75, find the value of B. And mean is given. X bar equal to 18.75. Then you have to find the value of B. इसी को हम लोग एन बोलते हैं. Thank you.
20 equal to 20. So value of P equal to 20. Any graph something this question? कोई प्रॉब्लम नहीं बिता दे अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये लास्ट ईयर आया था आप लोग के नाइन्थ एनुअल एग्जाम में भी आया था और टेंथ में भी आया था सेम क्वेश्चन मतलब सिर्फ नंबर चेंज था और ये क्वेश्चन जो एनुअल में भी दिया गया था और जो टेंथ का एग्जाम होता बोर्ड का उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था The mean of the following frequency distribution is 1.46. Find the missing frequencies. Find the missing frequencies. Frequency 0, 46, 1, suppose के लिए इसको हम लोग x मान दे रहे हैं, या x1, टू एक्स टू 325 410 and 5 and sigma phi equal to 200 it is given means sum of frequency equal to 200 it is given then you have to find the value of x1 x2 r F1, F2, you may write it. F1, F2. And mean is 1.46. 1.46, this is given. Fi into xi. Zero, 46, zero. One, F1, then F1. Two, F2, two F2. 325 75 410 40 5 5 25 sigma phi equal to 200 ठीक है पहले फ्रीक्वेंसीज को हम लोग ऐड करेंगे देन 46 ये 25 एंड 15 40 40 एंड 46 86 देन सिग्मा फाइव इक्वल टू 86 प्लस एफ वन प्लस एफ टू एंड इट इज इक्वल टू 200 F1 plus F2 R F1 plus F2 equal to 200 minus 86 114
R F1 equal to 114 minus F2. लिख सकते हैं? Yes, sir. And here sigma Fi Fsi equal to 75 and 25 140 plus F1 plus 2 F2. मेरी प्लेस F1 की जगह हम लोग 114 माइनस F2 लिख सकते हैं. तो वन फोर्टी प्लस F1 प्लस 2 F2 आर 140 प्लस 114 माइनस F2 प्लस 2 F2. It is equal to 4i is 254 plus F2. Therefore, x bar equal to sigma Fi Xi upon sigma Fi 1.46 and sigma Fi Xi equal to 254 plus F2. Upon 200. Yeah. 292 equal to 254 plus F2 R. F2 equal to 292 minus 254. It is equal to 38. F2 is equal to 38. Therefore, F1 equal to 114 minus F2 or 114 minus 38. 14 minus 8, 6 and 10 minus 3, 7. 76. Yes. Answer is correct. And if you want to write, then you may write it. सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे जैसे बनाते हैं. Xi, Fi, Di. Xi minus A into Fi Di. Sixty-five, sixty-four, sixty-eight, seventy-two, and 76. इसमें से हम कोई केयरफुली देखेंगे इसको, इसमें से एक्साई में से किसी एक को ऐसी वैल्यू हम लोग चूज करते हैं, एज्यूम करते हैं, जो कि कुछ नंबर से बड़ी हो कुछ नंबर से छोटी होती है, उससे ग्रेटर हो कुछ से लेस हो. जैसे मान लीजिए हम 68 लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीच वाला ही लेना है, आप 64 भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 72 भी ले सकते हैं, आपके मन पर है. लेकिन ऐसी वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं जो कि कुछ नंबर से क्या हो, ग्रेटर हो कुछ से लेस हो. तो यहाँ हम लोग 68 को एज्यूम कर ले रहे हैं, इसको चूज कर ले रहे हैं. और जब हमको डीआई निकालना होगा तो एक्स आई माइनस ए में सभी नंबर में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे 60 माइनस 68 इट इज इक्वल टू माइनस 64 माइनस 68 इट इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 68 माइनस 68 जीरो एंड 72 माइनस 68 प्लस 4 एंड 76 माइनस 68 इक्वल टू 8. हमारा डीआई हमको पता होगा.
यही पता हो गया हमको। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे कि FIDI मींस फ्रीक्वेंसी में से इस डेविएशन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 40 − 40 16 × 4 − 64 जीरो होगा, एंड 4 × 34 = 120 एंड 9 × 8 = 72 नाउ सिग्मा FI 5, 6, 11, 9, 20 2, 3, 3, 6, 4, 10, 100 एंड सिग्मा FIDI इट इज इक्वल टू 291 − 104 88 So by applying this formula, X bar equal to A plus sigma FIDI upon sigma FI 68 plus जो हम assume किया है वही value लिखेंगे, जो भी assume आप किया रहेंगे, and sigma FIDI 88/100 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 68 + 0.88 इट इज इक्वल टू 68.88 दैट इज योर आंसर।